का काई नहीं जुबे चलो काई 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 नहीं कर रही हो का मैटर पड़ गया कोटे टेके के कल में हमारे सबर का इंतजाम मत लो बता रहे हैं जो हम बिगड़ गए ना तो तोते की तरह टांटे करती फिरोगे फिर से गुस्सा दिला देना कुलवी क्यों कर रही हो बेटा किस बात का बदला ले रही हो हमसे सबके सामने नाक कटाओगी क्या तुम्हारी वजह से पहले ही मेरा दिल जो है वो बहुत भारी भारी हो रखा है और कहा चाहती हूँ कि मुझे फिर से दिल का दौरा पड़ जाए ये चाहती हो मेरे प्राण निकल जाए ये चाहती हो तुम फिर दुनिया वाले कहेंगे कि एक बेटी ने अपने बाबा की जानी ले ली जोर से बोलो क्या बोल रहा है जी मैं कोशिश कर रही हूँ पर फिर से वही हो रहा है गाना बन जा ही नहीं रहा यार तो ना मना हो गया रूठ भी नहीं होगी जो मान ना रहा हो अपने मन को लगाओ एक जोर से घंटा अब अगली बार से तुम्हारे गले से निकलनी चाहिए वो सीधे गाने के निकलनी चाहिए ये समझे ये समझा है सब जी का नाम तो सच्चे मन से लेते हैं पर ये तो बंदे ही झूठे हैं जी माता रानी मैं ये करूं इनके सामने ये सच्चा सुंदर की मेरे मन से आ ही नहीं रहा आपका मेडिकल कैंप आज हॉल नंबर 2 में है ओके अमायरा क्या हुआ आप गाड़ी में भी चुपचाप थे कुछ बोला नहीं सो व्हाट मॉम आपको क्या अमायरा मॉम से ऐसे क्यों बात कर रहे हो क्या हुआ प्लीज मुझे बताओ ना दैट वाज स्टडी गर्ल को सॉन्ग रिकॉर्डिंग के लिए लेके गए तो मॉम मुझे अच्छा नहीं लग रहा मुझे डर लग रहा है मुझे चिंता हो रही है हमारा जब से आपके डाटा घर आया ना वापस सिर्फ आप पर ध्यान है उनका कुल्फी पर तो इतना सा टेंशन नहीं दिया उन्होंने उसके साथ तो सिर्फ रिकॉर्डिंग पर गए सब कुछ तो आपके साथ करते हाय हमारा हाय यू नो आज का कैंप बहुत स्पेशल है इतना भी स्पेशल नहीं है क्लास से जब मैम कह रही थी एक स्पेशल डॉक्टर आ रही है व्हाटएवर चलो मिलते हैं हॉल में बाय चले फोन नहीं टूटा नो आजकल फोन चेंज करना भी एक बड़ी हेडेक हो गई है नहीं नहीं वो बात नहीं है इसमें एक्चुअली मेरी बेटी और उसके पापा का फोटो है जब मैं उन्हें मिस करती हूँ ना तो ये फोटो देख लेती हूँ सो स्वीट आई नो हम माएँ कितना भी ट्राई कर लें फादर्स से कोई मुकाबला नहीं हो सकता बेटियों को प्यार करना आई थिंक फादर्स एंड डॉटर्स इनका ये जो रिलेशनशिप है इनका जो प्यार है कितना अलग होता है ना दुनिया में सब कुछ बदल सकता है पर ये रिश्ता नहीं बदल सकता अच्छा मैं आपको मेडिकल कैंप में मिलती हूँ चले ग्रंपी मॉम आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है क्या बच्चे आपने कहा फादर्स और डॉटर्स का लव सबसे अलग होता है आंटी ने कहा सब कुछ चेंज हो सकता है पर ये लव चेंज नहीं हो सकता और कुछ भी है तो डैडी के बेटे ही ना और ये भी चेंज नहीं हो सकता कि म्यूजिक ही डैडी और डॉटी गर्ल को क्लोज लेके आता है Get it, Mom? कुल्फी बेटा तुम ठीक हो टेक करें
इतने सारे चश्मे, ओह चश्मे ही चश्मे, या तो पाखी, ऐसा लग रहा है जैसे एक चश्मे की शादी और बाकी सारे चश्मे बारात में आए हैं। पापा डॉन बे बुद्धू, चश्मे की दुकान है, चश्मे तो रहे के ही ना। सजी एक्सक्यूज मी, यहाँ से नहीं, यहाँ से आइए प्लीज प्लीज। बेबी के लिए चश्मा चाहिए? मैं बेबी नहीं हूँ, मैं पाखी हूँ और पाखी को चश्मा नहीं चाहिए। तो आपको चश्मा चाहिए? नहीं मुझे नहीं चाहिए, नंदी के लिए चाहिए। क्या पापा? नंदी मेरी बीवी। एक मिनट सर, एक मिनट, ये देखिए फर्स्ट क्लास, ये लीजिए सर एकदम लेटेस्ट फ्रेम। पाखी मैं और फिल्म दिखाता हूं। सर जी आपको कोई फ्रेम पसंद आई कि नहीं? हाँ ये वाला, ये मामा को बहुत पसंद आएगा। ओके पैक कर देता हूँ। चले? अरे भाई पैसे तो देते जाओ। हैं? और ये भी चाहिए? हाँ। इसके 6,000 रुपए लगेंगे। रुपए? वो क्या होता है? अगर पैसे नहीं है तो यहाँ पे भजिया खाने आए थे क्या? आपकी मम्मी ने भजिया बनाए हैं। जाओ यहां से। पापा जी पैसे नहीं है तो यहां पे क्यों आते हो? कहां कहां से आ जाते? क्या हो रहा है? आपको हिचकी आ रही है, पर हिचकी तो तभी आती है जब कोई याद करता है। मैं तो आपके साथ ही हूँ तो आपको कौन याद कर रहा है? पता नहीं। चले गए
शाबाश पुत्र शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बेटा अब नया गाना गाएं, दूसरा वाला। चलो टेक करते हैं। ना चश्मा मिला ना भजिया, और नया सवाल जरूर खड़ा हो गया, रुपए क्या होते हैं? वो ही तो नहीं है हमारे पास, इसलिए तो हम गरीब हैं। तो रुपए पैसे मिलते कहाँ हैं? रद्दी तो समझते हो ना, अरे घर का पुराना सामान, उसके बदले में पैसे दे दूंगा, जाओ। गुड मॉर्निंग किड्स। गुड मॉर्निंग मैम। आपके मम्मी पापा ने तो आपको बताया होगा कि खाने से पहले हम भगवान जी यानी गॉड को खाना खिलाते हैं। यस मैम। सोचो अगर वही खाना गॉड से पहले कोई और खा ले, आप लोग को कैसा लगेगा? नॉट गॉड मैम। तो अगर खाना खाने से पहले आप लोग अगर हैंड वॉश नहीं करोगे तो जर्म्स आपका खाना खा जाएंगे। तो जब भी आप लोग बाहर से खेल कर आओ तो सबसे पहले हैंड वॉश करना चाहिए। एक मिनट रोहन, ये मेरे फ्रेंड रोहन है, ये आपको आगे के इंस्ट्रक्शंस और रूल समझाएंगे, ठीक है? आई विल सी यू इन अ बिट। ओके, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही? कभी कभी ज्यादा स्ट्रेस की वजह से कभी कभी एंग्जाइटी होने लगती है। अब गहरी सांसें लीजिए, डीप ब्रेथ, गुड। बेहतर महसूस हो रहा है? कौन सी दवाई है ये, मुझे नाम बताइए, कभी मुझे बहुत होता है, कभी हुआ तो मैं खुद ले लूंगी ये दवाई। विटामिन सी की टैबलेट थी और कुछ नहीं। तो मुझे इतनी जल्दी इतना बेटर क्यों फील हो रहा है? क्योंकि स्ट्रेस है ना, शरीर पे नहीं दिमाग पे असर करता है, जितना स्ट्रेस लोगे उतना होगा। आपको पता है मेरी बेटी के पापा उसे क्या कहते हैं? आपके हस्बैंड? वो ना कभी टेंशन लेते नहीं है, जब भी कोई उन्हें परेशान करता है वो कहते हैं लोगों का काम तो बोलना है, तो कोई भी चीज दिल को लगा के क्या फायदा, हमेशा खुश रहो, फिर कोई भी लड़ाई हो ना आप ऐसे जीत जाओगे। What? ये exact चीज मेरे हस्बैंड कहते हैं। Really? एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि आप अपने हस्बैंड के बारे में नहीं मेरे हस्बैंड के बारे में बात कर रही। आई गेस सारे स्मार्ट लोग एक जैसा सोचते हैं। तो आप भी ऐसे ही सोचा करें तो एंग्जाइटी कम होगी। आई गेट बैक टू द कैम। थैंक यू। चलो 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 चलो, बहुत सारा काम है, चलो काम पे लग जाओ, सारा सामान ढूंढ के निकालो, सब बेच देंगे आज, चलो जल्दी। जल्दी जल्दी जो सामान मिले सब निकालो, जो लगे हम बेच सकते हैं सब बेच देंगे आज। काले शोंदिष्टवानी श्री पापा भी नश्यति आज जन्म कर माध्यान्ने सायान्ने सप्त जन्मने मेरु कांचन दत्ता नाम गवाम कोटी सतई रपई।
शाबाश पुत्र, शाबाश शाबाश। प्राची कमाल कर दिया, बच्ची ने कमाल कर दिया, दिल जीत लिया सबका। हाँ बहुत कमाल गाती है जी, पर ऐसा कमाल घर में बैठेगा तो कमाल कैसे होगा। आप कुछ कीजिए, आप जितना काम आता है बताइए हमको, फोन कीजिए बस, हाजिर हो जाएंगे कुल्फी को लेके। बढ़िया, आजा बेटा। पल्लू पाजी, ये सिकंदर जी को क्या हो गया है? ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इंसान ही बदल गया हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने सिकंदर जी की आंखों में प्यार देखा था लेकिन पैसों के लिए लालच कभी नहीं देखी। इनका तो एक्सीडेंट हुआ था ना सर, इनकी आवाज तो जाती रही पर अब इस बच्ची से गाना गवा कर अपनी दुकान चला रहे हैं। मॉम, हम दादे के लिए डेनिस बेकरी से आलू पैटीज ले लें, उनकी फेवरेट है। That's actually a very good idea. It's almost 5, जब तक बेनीस पहुंचेंगे ना बेकरी बंद हो गई होगी। वो दादा की फेवरेट है अभी। I know baby. पता है मेरी बेटी के पापा का भी ये फेवरेट पैटीज है। You mean your husband? Are you serious? पता है अगर हमारी बातें कोई सुन रहा होता ना तो कहता कि हम दो नहीं एक आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। पर मॉम, मेरे दादा तो सबसे बेस्ट है। और बेस्ट डैडी की आप भी तो बेस्ट बेटी हो, और बेस्ट बेटी अपने बेस्ट डैडी के लिए उनका फेवरेट पैटर्स घर ले ले जाए। एक मिनट, इज दिस बेनीज पैटीज? थैंक यू। यू वेलकम। यू रियली कांट टेक दिस, आप अपनी फैमिली के लिए लाई थी प्लीज। मैं सबके खुशी के लिए लाई थी, अब एक बेटी को खुश करके दूसरे को थोड़ी ना सैड करूंगी। नहीं लेकिन प्लीज, आई इंसिस्ट। थैंक यू सो मच, आप रियली बहुत स्वीट है। नेक्स्ट टाइम कभी आपको स्ट्रेस हो या एंग्जाइटी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। ओके, आइए मैं संभाल के रखूंगी। थैंक यू, बाय बाय। पर अभी ये भी तो बाकी है। अब देखो भैया। ठीक है, सब मिला के 200 रुपए और ले लो। 500 हो गए। 500 हो गए। सुनो भाई तोता, ज्यादा बर्फ फड़फड़ा की जरूरत नहीं है, हम एक छोटा सा काम करके आ रहे हैं, गाड़ी में रहना। और बहुत बढ़िया गाय, ऐसे ही गाते रहना जिंदगी भर, मिलो इनाम। पकड़ो, और जब तक हम वापस नहीं आते ठूसते रहना इसको। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें
इंस्टा प्लस यूट्यूब पेज को।